It is a non-parametric alternative to the repeated-measures t-test. Instead of comparing means, in Wilcoxon converts uh, scores into ranks and compare them at time one and time two. So again, parametric assumption, if not meeting, we uh, repeated-measures t-test or sample t-test. But parametric assumptions are fulfilled, the best choice or alternative will be Wilcoxon signed-rank test. Uh, Wilcoxon can also be used टू situations involving मैचिंग सब्जेक्ट्स मसन अगर फ़र्ज करें जैसा मैच्ड डिज़ाइन होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशनस बहुत सी होती हैं जहाँ पर हमारा अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल नहीं होता पॉपुलेशन का साम्पल्स भी बहुत कम होते हैं और जहाँ पैरामेट्रिक एक्जाम्शन नहीं फुलफिल हो रही तो वहाँ पर हमारा विलकाक्सन साइन ड्राइंग टेस्ट बहुत बेस्ट होता है मसन डिप्रेशन uh, के अंदर अगर आपने टाइम वन टाइम टू के ऊपर मैचिंग करनी है और डिज़ाइन उसमें फ़र्क देखना है कि uh, क्या है So then Wilcoxon and sign rank test would be the best choice. Imagine psychologist interested in change in depression levels. She wants to compare the BDI score on Sunday to those on Wednesday. So on Sunday or Wednesday ke upar, uh, scores ko compare karna hai. Uh, BDI, ke upar, back depression inventory ke upar, to aap, uh, Wilcoxon Signed rank test use. Kar sakte Suppose the distribution of scores for drugs is not normal on one of the two days. सो द साइकोजिस्ट वुल हैव टू यूज अ न पैरामेट्रिक वाई वी चोज़ नॉन पैरामेट्रिक क्योंकि उसको पता है कि जो ड्रग्स uh, जो डिप्रेशन की लेरें उसके ऊपर या जो पॉपुलेशन हम यूज़ करें वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रब्यूशन की हम बहुत बात कर रहे हैं कि अंडरलाइंग पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है uh, हमने पैरामेट्रिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि uh, हमारी बेसिक एक्जाम्पन ये है कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैम्पल निकाला है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो यानी नॉर्मल uh, कर्व के ऊपर लेकिन यूजुअली हमारी जैसे अगर बड़े हम टारगेटेड सैंपल निकालते हैं क्लिनिकल पॉपुलेशन में से जैसे ये डिप्रेशन की हैं इनमें से तो यूजुअली हमारा सैंपल उस तरह से नॉर्मल नहीं आता uh, जो अंडरलाइन पॉपुलेशन का सैंपल होता है तो तब हम मूव uh, करते हैं टूवर्ड नॉन पैरामेट्रिक टैक्स सो विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन रैंकिंग द डिफरेंस बिटवीन स्कोर इन द टू कंडीशनस हम करते है क्या हैं कि हमारे पास वैसे ही टाइम टू ranking रैंकिंग टाइम टू पे स्कोरस होते हैं और टाइम वन पे स्कोर होते हैं और हमने उन दोनों के दरम्यान डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो विलकासन साइन रैंक टेस्ट में हमारे पास स्कोरस की जगह रैंक्स होते हैं और इवन अगर स्कोरस हैं लेकिन हमने विल्कॉक्सन टेस्ट यूज़ करना है तो हम उन स्कोरस को कन्वर्ट कर लेते हैं रैंक्स में और फिर उन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं सो ऑन दीज रैंक द साइन ऑफ़ द डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव इज अ टू द रैंक सो आप उसमें जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे यानी टाइम वन के ऊपर फर्ज करें मेरा रैंक टू आया है और टाइम टू के ऊपर फोर आया है तो टू माइनस फोर विल बी द डिफरेंस ऑफ टाइम वन एंड टाइम टू रैंकिंग सो उसमें क्या करेंगे कि हमारे साइंस ऑफ द डिफरेंसेस चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो हम उसको वैसे ही साइन करेंगे टू द रैंक्स और फिर हम उसी तरह से ही uh, इसको एस में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मैनुअली इट विल टेक टाइम और मोस्टली अब आप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी नॉन पैरामीट्रिक की मैनुअली भी आप कर सकते हैं कि आपके पास दो स्कोर्स हैं टाइम वन के ऊपर और टाइम टू के ऊपर तो आप बजाय उन स्कोर्स को करने के आप टाइम वन वालों को रैंक कर लेंगे और फिर टू वालों को भी रैंक कर लेंगे और फिर उन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस कैलकुलेट करके आ, विल कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो चलें हम इसको फिर मैनुअली एसपीएसएस एस के जरिए कैलकुलेट करके देखते हैं